इस मंदिर में लगातार 16 सोमवार तक करें पूजा, मिलेगा संतान सुख। भारत में अलग अलग तरह के मंदिर हैं, जो अपनी मान्यताओं व प्रचलित कथाओं के चलते देश भर में जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर मथुरा में स्थित है, जिसका नाम गोकर्णनाथ मंदिर है। इस मंदिर का जिक्र पवित्र ग्रंथ गीता में भी है। मान्यता के मुताबिक गोकर्णेश्वर महादेव का यह मंदिर द्वापर युग के वक्त का है। हम आपको बताने जा रहे हैं गोकर्णनाथ महादेव की कहानी से जुड़ी रोचक बातें। मंदिर में मौजूद शिव की मूर्ति महाकाल का रूप बताई जाती है। भगवान शिव को मथुरा का क्षेत्रपाल कहा जाता है, क्योंकि मथुरा के चारों कोनों पर भोलेनाथ के चार मंदिर हैं। पूर्व दिशा में पिघलेश्वर, पश्चिम दिशा में भूतेश्वर, दक्षिण दिशा में रंगेश्वर महादेव और उत्तर दिशा में गोकर्णेश्वर महादेव का पुराना मंदिर है। गोकर्णेश्वर मंदिर टीले पर बना हुआ है, इस कारण से टीले को गोकर्णेश्वर व कैलाश कहते हैं। मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर जिस घर में संतान नहीं हो रहा है तो वे अगर 16 सोमवार तक गोकर्ण महादेव की पूजा और व्रत करें तो उनको संतान जरूर प्राप्त होगा। धार्मिक आस्था के मुताबिक जो भी श्रद्धालु गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर में लगातार 40 दिन तक भगवान शिव स्त्रोत का पाठ और गन्ने के रूप से अभिषेक करता है तो वे सुखी, निरोगी और समृद्ध रहता है। गोकर्णनाथ नाम पढ़ने के पीछे एक कहानी प्रचलित है। श्री गोकर्ण के पिता का नाम आत्मदेव और माँ का नाम धुंधली था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक बार एक ऋषि ने गोकर्ण जी के माता पिता को फल दिया और कहा कि इसको खाने से दोनों को एक परम ज्ञानी पुत्र की प्राप्त होगी। माता धुंधली ने ऋषि की बात पर विश्वास नहीं किया और वो फल गाय को खिला दिया। गाय द्वारा फल खाने से गाय के कान से श्री गोकर्ण जी का जन्म हुआ। गाय के कान से जन्म होने के कारण ही गोकर्णनाथ कहलाए। मंदिर में स्थापित गोकर्ण महादेव जी की मूर्ति का स्वरूप कुछ अलग है। उनका उल्टा हाथ अपने लिंग पर है तो दूसरा हाथ मन के ऊपर रखा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इन दो ही चीजों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का काम और मन, यह दोनों ही काफी गतिमान होता है।